Hello friends, myself Anju Mamani. I welcome you in BA by First General English class. Our topic is continuous. The name is determiners. हमारा जो टॉपिक है वो डिटर्मिनर्स चल रहा था. लास्ट की जो वीडियो थी उसमें हमने काफ़ी डिटर्मिनर्स डिस्कस किए थे, लाइक एनी, मोर, एनी, मच, मैनी, एक्सेट्रा, फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, आ लिटिल. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं. जो आज की हमारी वीडियो है डिटर्मिनर्स की, उसमें हम आपके यूज ऑफ सेवेरल, सेवेरल और वेरियस को डिस्कस करेंगे. जो सेवेरल और वेरियस दोनों ही क्या है, अनेक या हम कह सकते हैं विभिन्न, दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है. दोनों को यूज़ करने का आपको सेंटेंस की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ करना है. सबसे पहले हम यूज ऑफ सेवेरल देखेंगे. यूज ऑफ यूज ऑफ सेवेरल, इसका मीन्स क्या होता है अनेक. हिंदी में अगर हम इसका मीन्स देखें तो इसका मीन्स क्या होता है अनेक. जो सेवेरल का मीन्स क्या होता है अनेक, और ये किसके लिए यूज होता है. रूल नंबर फर्स्ट यह है काउंटेबल, काउंटेबल प्लूरल नाउंस के लिए यूज होता है. ये किसके साथ यूज होता है, ये काउंटेबल प्लूरल नाउंस मतलब कि गिनी जा सकने वाली, गिनी जा सकने वाली बहुवचन, बहुवचनों के साथ गिने जा सकने वाले, गिने जा सकने वाले बहुवचनों के साथ. सेवरल है उसका यूज किस कंडीशन में किया जाता है, जब अनेक चीज़ों की बात आ रही हो, और इनका जो यूज़ होता है कौन सी नाउंस या कौन सी चीज़ों के साथ होता है, जो काउंटेबल प्लूरल नाउंस, प्लूरल नाउंस हो उनके साथ हम सेवरल का यूज़ करते हैं. और एक इसकी कंडीशन हमें और चाहिए होती है कि सारी की सारी जो वस्तुएं हैं, जो सारी वस्तुएं हैं वह एक ही प्रकार की, एक ही प्रकार की होनी चाहिए. तो सारी जो वस्तुएं होंगी सेंटेंस में वो क्या है, अपने आप में एक ही टाइप की होनी चाहिए. ऑल द थिंग्स belongs same, belongs the same. सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो क्या है, सेम ही होनी चाहिए, एक ही प्रकार की होनी चाहिए. belong to same types, type जो सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो सेम टाइप की ही होनी चाहिए. अगर अलग टाइप की वस्तुएं आ जाती हैं तो हम वहाँ पर सेवेरल का यूज जो है वो नहीं करेंगे. तो सेवेरल का रूल नंबर फर्स्ट हमने देखा कि जो सेवेरल है वो किन के लिए यूज होता है, काउंटेबल प्लूरल नाउंस के लिए. और ऐसी वस्तुएं जो एक ही टाइप की हैं, एक ही प्रकार की हैं, एक ही कैटेगरी की हैं, सेम टाइप हम कह सकते हैं, सेम कैटेगरी, सेम ही टाइप, सेम ही जो कैटेगरी से बिलोंग करती है, ऐसी जो वस्तुएं हैं तब हम उनके साथ किसका यूज़ करेंगे, सेवेरल का यूज़ करेंगे.
आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम इसका एग्जांपल राइट करते हैं। एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो सेवरल एडजेक्टिव्स के लिए यूज होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल टेक यू एन एग्जांपल्स, मैनी एग्जांपल्स ऑफ सेवरल। अब एग्जांपल नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। I have dash books of physics. I have dash books of physics के मेरे पास physics की books हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? I have several books. हमारे पास, मेरे पास अनेक किताबें हैं। मेरे पास क्या है? अनेक किताबें हैं। किसकी? फिजिक्स की। यहाँ पर क्या है? स्पेशल फिजिक्स की ही किताबें हैं। जो सब्जेक्ट है उसके पास फिजिक्स की ही किताबें हैं बहुत सारी, इसीलिए हमने यहाँ पर सेवरल का यूज किया है। इसके बाद हम लिखते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल। That students were gone on picnic. Gone on a picnic. के बच्चे पिकनिक पर गए थे। स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर उनकी कैटेगरी नहीं दी गई। देखो आप ये लाइंस में आप ध्यान दोगे, जो यहाँ पर है वो कैटेगरी नहीं दी गई। तो हम क्या है, सेवरल और अदर जो हमारे पास ऑप्शन होंगे, हम उनका दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किसका यूज कर दिया? सेवरल का यूज कर दिया। ये सेवरल का तो एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैंने आपको नॉर्मल बताया है एग्जाम्पल। इसका देखते हैं हम सेवरल का। कि स्टूडेंट्स गए थे, आज के स्टूडेंट्स तो थे, वो गए थे पिकनिक पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्पेशल हमें स्टूडेंट्स बताया है, जो वो हमारा सेंटेंस था उसमें हमें स्टूडेंट्स नहीं बताया था। स्टूडेंट्स तो किसी भी आर्ट्स के हो सकते हैं, साइंस के, कॉमर्स के, या हमें क्या है, स्पेशल नहीं बताया हुआ। जब हमें नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर हमें स्पेशल बताया हुआ है कि एक ही टाइप के जो बच्चे हैं वो क्या है, पिकनिक पर गए थे। स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स मतलब आर्ट्स के बच्चे हैं, वो पिकनिक पर गए थे। तो यहाँ पर हम किसका यूज कर लेंगे? सेवरल का यूज कर लेंगे। तो हमने देखा कि जब एक ही प्रकार की चीजों के लिए हमें डिटरमिनर्स यूज करना होता है, तो जब एक प्रकार हम देखते हैं तो हम क्या है, देखते हैं कि हम किसका यूज करते हैं, सेवरल का यूज करते हैं। इसके बाद हम वरियस को डिस्कस करते हैं, जो वरियस है वो कहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारे डिटरमिनर्स हैं वो क्या है? वरियस। जो वरियस है, वरियस का मीन्स क्या होता है? विभिन्न। वरियस का हिंदी जो मीन्स होता है वो क्या होता है? विभिन्न। जबकि सेवरल का जो मीन्स क्या था वो था? अनेक। इसका मीन्स क्या होता है? विभिन्न। ये किनके साथ यूज होता है? यूज फॉर डिफरेंट
टाइप्स और कैटेगरी कैटेगरी ऑफ थिंग्स, ये इसके लिए यूज होता है। विभिन्न टाइप की जो विभिन्न टाइप्स हो सकते हैं, कैटेगरी हो सकती हैं थिंग्स की, उनके लिए यूज होता है विभिन्न। हिंदी में लिखते हैं तो इसका प्रयोग विभिन्न, या हम कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की चीजों के साथ, अलग अलग प्रकार की जब चीजों के लिए हमें डिटरमिनेंट यूज करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, वरियस का यूज करते हैं। और इसका यूज है जो किसके लिए होता है, इसका यूज भी काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ होता है। अब आपको काउंटेबल प्लूरल नाउन तो पता ही है क्या होती है, के साथ होता। आगे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या लिखेंगे, आई हैव डैश बुक्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंग्लिश। मेरे पास किताबें हैं इसकी, हिस्ट्री और इंग्लिश की। जैसा कि हमने इसके रूल्स में देखा कि अलग अलग चीजों का प्रकार आ जाता है, यहाँ पर क्या है, बुक्स हैं वो हिस्ट्री और इंग्लिश सेम टाइप की ना होकर अलग अलग सब्जेक्ट के बुक्स हैं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, आई हैव वेरियस बुक्स, वेरियस बुक्स ऑफ, वेरियस बुक्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंग्लिश, के मेरे पास किताबें हैं, विभिन्न प्रकार की किताबें हैं किसकी, हिस्ट्री और इंग्लिश। यहाँ पर क्या है, हिंदी और इंग्लिश दो अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट हैं, इसीलिए यहाँ लिखा है कि मेरे पास अलग अलग टाइप की ये किताबें हैं, तो उसके लिए हमने किसका यूज़ किया है, वेरियस का यूज किया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर डैश स्टूडेंट्स वर गोइंग ऑन, स्टूडेंट्स वर, ठीक है, स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस were going on a picnic। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है उसके अंदर क्या है, स्टूडेंट्स थे किसके, आर्ट्स और साइंस के काफी स्टूडेंट्स पिकनिक पर गए थे। तो यहाँ पर हम आर्ट्स और साइंस तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो अलग अलग टाइप की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे वो सेवरल ना होकर अब कौन से स्टूडेंट बन गए, क्योंकि विभिन्न स्टूडेंट गए थे किसके, आर्ट्स और साइंस के जो विभिन्न स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पर गए थे, पिकनिक के लिए गए थे। जो शुरू मैंने पहले जो सेंटेंस लिखा था उसमें हमने देखा था जो स्टूडेंट्स थे वो क्या थे, बताया नहीं हुआ था कि किसके थे, आर्ट्स के थे सिर्फ,
आर्ट्स के थे कि सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो गए थे, इसलिए हमने किसका किया था कि सेवरल का यूज किया था, लेकिन यहाँ पर सेवरल और साइंस दोनों के स्टूडेंट हैं वो क्या है पिकनिक पर जा रहे थे, इसीलिए हमने सेवरल का यूज वेरियस का यूज किया है। उसके बाद हम लिखते हैं वी मस्ट रीच डैश बुक्स फॉर एग्जाम, फॉर एग्जाम्स के हमें एग्जाम के लिए किताबें पढ़नी चाहिए। अब देखो एक ही प्रकार की किताब या एक ही सब्जेक्ट की किताब पढ़ता हम एग्जाम, यहाँ पर जो एग्जाम है वो हमें मेन एग्जाम नहीं बताया हुआ कि जो एग्जाम है वो किस सब्जेक्ट का है, तो सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे वेरियस का यूज करेंगे कि हमें विभिन्न प्रकार की जो है किताबें पढ़नी पड़ेंगी एग्जाम्स के लिए। तो ये था हमारा यूज ऑफ सेवरल और वेरियस। अब हम इसकी एक टेबल बनाकर इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज है। टेबल के थ्रू हम इसमें डिफरेंस देखेंगे कि सेवरल और वेरियस के अंदर क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम यही टेबल बना देते हैं, हो गया टेबल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ गई कि ये है सेवरल का और ये है वेरियस का। जो सेवरल है इसको यूज उसको बता देते हैं, फिर आपको टेबल में तो अच्छे से मिल जाएगा। दोनों का जो यूज है वो क्या होता है काउंटेबल प्लूरल नाउंस के साथ, दोनों का जो यूज है वो किसके साथ होता है सिमिलरली हमने देखी है काउंटेबल साथ। दोनों का जो यूज है वो किसके साथ हो रहा है काउंटेबल प्लूरल नाउंस के साथ। अब इसकी हम क्या है डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस नंबर फर्स्ट जो है वो क्या रहेगा, जो सेवन है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, जब हम इन दोनों के हिंदी अर्थ हिंदी मीनिंग नहीं हिंदी अर्थ की बात करते हैं तो जो सेवरल है उसका मीन्स क्या होता है अनेक। सेवरल का मीन्स क्या होता है अनेक और वेरियस का मीन्स होता है विभिन्न। वेरियस का मीन्स क्या होता है विभिन्न। जो सेवरल है उसका मीन्स क्या होता है अनेक और सेवरल का मीन्स क्या होता है विभिन्न। और सेवरल का मीन्स अनेक और वेरियस का मीन्स क्या है विभिन्न। और जो सेवरल है वो क्या है सीधा लिख देते हम यूज फॉर सेम टाइप्स ऑफ थिंग्स। सेम टाइप थिंग्स की जब बात आती है तो हम किसका यूज करते हैं सेवरल। और यूज ऑफ यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स के लिए तब हम किसका यूज करते हैं वेरियस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, दोनों का सेम कंपैरिजन हो जाएगा। आई हैव डैश बुक्स ऑफ इंग्लिश, ये मेरे पास इंग्लिश की किताबें हैं। तो हमें पता है सेम ही है एक ही तरह की किताबें हैं, तो हम इसमें किसका यूज करना है सेवरल का यूज करना है। उसके बाद वेरियस के एग्जांपल के लिए हम इसी तरीके का सेम लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्या है डिफरेंस पता चल जाए। आई हैव डैश
books of I have dash books आएगा यहाँ पर मैं बताया था उन्हें कल plural noun books of English and Hindi कि मेरे पास हिंदी और इंग्लिश की क्या है काफ़ी किताबें हैं बहुत विभिन्न प्रकार की हम कह सकते हैं काफ़ी किताबें हैं तो हमने किसका यूज करना है वर्ब्स कि मेरे पास हिंदी और इंग्लिश की कई प्रकार की बुक्स हैं तो ये था हमारा यूज ऑफ सेवरल एंड वर्ब्स इसको हमने पहले तो इनके अलग अलग रूल्स बनाकर देखे इसको फिर टेबल में डिस्कस किया है आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड the use of several and various in our next video we discuss about other determiners till stay home stay safe keep studying thank you